everyone. Now let's start NCERT class 9, exercise 13.8, question number 6. Question number 6 कहता है, a hemispherical tank is made up of an iron sheet, 1 cm thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. Question कहता है बच्चों, कि एक hemispherical tank है, जो iron से बनी हुई है, iron की sheet से बनी हुई है, और इसकी sheet की जो thickness है, 1 cm है. क्वेश्चन कहता है कितना वॉल्यूम आयरन का यूज हुआ है इसे बनाने में, राइट? इस टैंक के बनाने में टोटल कितना आयरन का वॉल्यूम यूज हुआ है? ध्यान से देखिए, रेडियस गिवन है, इस टैंक की रेडियस गिवन है, इनर रेडियस 1 मीटर, और थिकनेस कितनी है, शीट की थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर. जब हमें इसके वॉल्यूम निकालना होगा तो हमें याद करना है कि इस स्टेप में हमें ऊपर की रिंग भी निकालनी होगी, यस और नो? क्योंकि बाहर की चार तरफ से रिंग गोलाकार होगा ना, इस तरह से इस रिंग को भी निकालना होगा. तो रिंग निकालने के लिए हम यूज करते हैं आर क्यू माइनस आर क्यू, कैपिटल आर क्यू मीन्स बाहर की रेडियस को माइनस करेंगे अंदर की रेडियस से. लेकिन बाहर की रेडियस कितना होगा, इनर रेडियस 1 मीटर है, और बाहर की रेडियस कितनी होगी, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, यस और नो? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं. इनर रेडियस कितनी है, 1 मीटर. अच्छा, थिकनेस ऑफ आयरन शीट कितनी है, 1 सेंटीमीटर. ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, यूनिट सेम करना होगा. तो सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करके. जब हम 1 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.12. ओके, हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे. यहाँ पे नंबर हमारा 1 है, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे, 2 हो गया. 2 के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे, उससे पहले, उसके बाद फिर हम 0 पुट करेंगे. सो 0.01 मीटर की 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 0.01 मीटर. ये थिकनेस है, इस हेमिस्फेरिकल टैंक की थिकनेस है. चलिए, सो आउटर रेडियस, इससे हमें बाहर की रेडियस मिल जाएगी. आउटर रेडियस कितनी हो गई, 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर, 1 मीटर पहले से जो अंदर की रेडियस है, और थिकनेस, इसकी थिकनेस को, बाहर की जो थिकनेस है मींस उस आयरन की शीट की जो थिकनेस है, दोनों को ऐड करेंगे. ऐड करने पे हमें मिलती है 1.01 मीटर. चलिए, आउटर रेडियस भी हमें मिल गई, यस और नो? इनर रेडियस 1 मीटर है, आउटर रेडियस है 1.01 मीटर. चलिए, अब हम निकालेंगे इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक. ओके, उस आयरन की वॉल्यूम जिससे हम टैंक बनाया गया है, जिससे हम टैंक बनाएंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2/3. किसी भी हेमिस्फेरिकल टैंक या हेमिस्फेरिकल पार्ट की कोई भी अर्धगोला है, अगर हम उसके वॉल्यूम निकालना है तो हम करते हैं 2/3 पाई आर क्यू. लेकिन चूंकि यहाँ पे खोखला है, ओके, एम्प्टी है यहाँ से, इसलिए हम क्या करेंगे, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को, कैपिटल आर में से यहाँ से यहाँ तक कैपिटल है, कैपिटल है यहाँ से यहाँ तक कैपिटल है, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करेंगे, तो हमें ये सिर्फ सर्कुलर पार्ट मिल जाएगा, जिसे हम रिंग कहते हैं. 2/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू. ओके, नाउ चलिए वैल्यूज पुट करते हैं. 2/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 2/3. हाँ, चलिए वैल्यू पुट करते हैं. 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब कितनी है, 1.01 पर क्यूब, क्यूब में है ना, तो हम क्यूब रिटर्न करेंगे, माइनस इनर रेडियस कितनी है, स्मॉल आर कितनी है, 1 का क्यूब. नाउ 44, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 44, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 21. 44/21 इंटू 1.01 का क्यूब करेंगे, 3 टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1.030301 माइनस 1 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 1. चलिए 44/21 इंटू 1.030301 में से जब हम 1 माइनस करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.30301 हमें मिल जाती है. नौ 0.30301 को जब हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी 1.333244 एंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 21. जब हम इसे 21 से डिवाइड करते हैं बच्चों, देन वी गेट 0.6348, और ये वॉल्यूम है तो हम मीटर क्यूब में निकालेंगे, 0.06348 मीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक. टैंक बनाने में जितना वॉल्यूम यूज हुआ है आयरन की, दैट इज 0.06348 मीटर क्यूब. आई होप बच्चों आप
सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।